तो भगेड़िया इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 94.47 करोड़ का इनकम जनरेट किया है, और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 156.84 करोड़ का इनकम जनरेट किया था, एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 171.88 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में भगेड़िया इंडस्ट्रीज ने अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 89.41 करोड़ का खर्चा किया है, सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 151.57 करोड़ का खर्चा किया था, एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 138.44 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 5.35%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 3.36%, एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 19.45% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 3.73 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 3.9 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 24.49 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.86 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.89 की, एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.61 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो भगेड़िया इंडस्ट्रीज ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन। सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे भगेड़िया इंडस्ट्रीज ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म की है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।